मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चार बड़े अर्थशास्त्री दूसरे कार्यकाल में सरकार से बाहर हैं और अब वो सरकार को आर्थिक मसलों पर सलाह दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब ये अर्थशास्त्री सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे थे तब इनके सुझावों पर अमल क्यों नहीं किया जो ये अब दे रहे हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जो चार बड़े अर्थशास्त्री सरकार की आर्थिक नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे उनमें पहला नाम है अरविंद सुब्रमण्यन का। अरविंद सुब्रमण्यन भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार की भूमिका में थे। सरकार से हटने के बाद अब अरविंद सुब्रमण्यन को पता चला है कि जिस जीडीपी ग्रोथ की वो तारीफ करते नहीं थकते थे वो दरअसल बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। अरविंद सुब्रमण्यन ने ये बात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अपने रिसर्च पेपर में कही है। उन्होंने कहा है कि साल 2011-12 से साल 2016-17 तक की जीडीपी ग्रोथ 4.5% थी न कि 7%। अरविंद सुब्रमण्यन ने अपनी दलील में कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़ों को गलत ढंग से मापा गया है। सवाल यह है कि अरविंद सुब्रमण्यन को ये बात तब क्यों समझ में नहीं आई जब वो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। आपको बता दें कि अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद सुब्रमण्यन ने सरकार के नोटबंदी के फैसले की भी आलोचना की थी। इनसे मिलिए, ये हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन थे। इनको अब अचानक याद आया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि खेती में काम कर रहे लोगों को इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रहते हुए उन्हें कभी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के तीसरे बड़े अर्थशास्त्री थे विवेक देबरॉय। ये प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन थे। लैंड रिफॉर्म्स के मुद्दे पर अब ये कहते हैं कि ज़मीन राज्य सरकारों के अधीन आती है इसलिए लैंड रिफॉर्म्स हो ही नहीं सकते। इनको भी ये बात तब पता नहीं चली जब ये सरकार को आर्थिक मुद्दों पर सलाह दे रहे थे। चौथे बड़े अर्थशास्त्री हैं रतिन रॉय। रतिन रॉय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में उनकी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य थे। उनका कहना है कि मिडिल इनकम ट्रैप में फंसकर भारत का हश्र भी ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसा हो सकता है और ये देश में स्ट्रक्चरल क्राइसिस पैदा कर सकता है। सवाल यह है कि जब मोदी सरकार अपनी आर्थिक नीतियां बना रही थी तो ये चारों अर्थशास्त्री उस वक्त खामोश क्यों थे या फिर इनकी सलाह ही नहीं मानी गई। इसरार अहमद शेख, गो न्यूज़।